मॉर्निंग, स्वागत है आपका एसके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, पिछली वीडियो आपके सामने लेकर आए थे ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट की, तो आज हम फिर आपके सामने वापस आए हैं फुल फॉर्म लेकर। ठीक है, CCC व अन्य सरकारी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली ये फुल फॉर्म है। ठीक, तो आज हम शुरू करते हैं आपको महत्वपूर्ण फुल फॉर्म, स्टार्ट करते हैं आपसे कंप्यूटर से। एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसा आपका प्यार मिल रहा है मेरी वीडियोस पर, तो ऐसे ही थोड़ा सा आप आगे सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें मेरी वीडियो को, इससे भी ज़्यादा और अच्छी अच्छी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर सबसे पहला वर्ड होता है कंप्यूटर। तो आपको अगर कंप्यूटर सीख भी रहे हो या नॉलेज चाहिए, तो कंप्यूटर में सबसे पहले कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कंप्यूटर में सी फॉर होता है कॉमनली। ठीक है, ओ फॉर होता है ऑपरेटिंग, एम फॉर होगा मशीन, पी फॉर होगा पार्टिकुलर, यू फॉर होगा, आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा यू फॉर यूजर, लेकिन यू फॉर यूजर और यूज फॉर भी देखने को मिल जाएगा आपका। नेक्स्ट टी फॉर होगा टेक्नोलॉजी, ई फॉर होगा इलेक्ट्रॉनिक या एजुकेशन, आपको कहीं ना कहीं दोनों में से एक वर्ड मिल जाएगा देखने को। नेक्स्ट आए थे आर फॉर रिसर्च, यानी आप कंप्यूटर द्वारा कुछ भी रिसर्च कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आए थे, अब ये इस पर ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मोस्टली आपको शायद पता भी होंगी ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं CPU, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था CPU को डीपली कि CPU किसे कहते हैं, कहा था कि प्रोसेसर का दूसरा नाम को CPU कहते हैं, दूसरा नाम CPU भी कहलाता है प्रोसेसर का। ठीक है, तो आज यहाँ स्टार्ट करते हैं, आप CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये CPU की फुल फॉर्म है। ठीक, नेक्स्ट UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि CPU देखा होगा कंप्यूटर इसके डेस्कटॉप के जस्ट बराबर में रखा होता है बड़ा सा, उसे CPU बोलते हैं, उसी में आपका हार्ड डिस्क रैम ये सब उसी में लगा होता है CPU के अंदर। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर उसके अंदर से सारा सामान हम CPU के अंदर से प्रोसेसर हार्ड डिस्क वगैरह सब निकाल लेते हैं, तो खाली जो बॉडी बचती है उसको हम कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं UPS, आपको बताया था UPS का काम होता है बैकअप देने का। ठीक, नेक्स्ट आते हैं SMPS, देख लिए सिंपल या स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, SMPS CPU के अंदर जो एक लास्ट में कोने में लगी होगी SMPS, जिसमें पावर आती है, SMPS में AC पावर आती है, SMPS द्वारा ही कन्वर्ट हो जाती है, जो कि DC में कन्वर्ट कर देती है पावर सप्लाई, जिसमें पावर आती है। ठीक है, सिंपल या स्विच, S फॉर आप दोनों पढ़ सकते हो, S फॉर सिंपल या स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं CMOS, इसके बारे में आगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हर एक की डिटेल में। ठीक है, CMOS यानी कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आते हैं BIOS की फुल फॉर्म मैं यहां लिख दे रहा हूं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS की क्या हो गई, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों इनको बहुत अच्छे से आप याद कर लेना, क्योंकि कंप्यूटर में अगर आपको रुचि है तो ये कंप्यूटर की महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से। ठीक है, क्योंकि आप अगर कंप्यूटर की ये फुल फॉर्म याद कर लेंगे तो प्राइवेट तौर पे किसी भी इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं, या CCC वगैरह में अगर आपने अप्लाई कर रखा होगा तो भी इसमें से कुछ फुल फॉर्म्स पूछ लेते हैं। सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में भी कहीं ना कहीं अगर कंप्यूटर कुछ आता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट ये रैम के कुछ टाइप होते हैं, SRAM यानी स्टैटिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, DRAM, D फॉर होता है डायनामिक
रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, एसडी रैम, सिंक्रोनाइज, डायनामिक रैम। ठीक है दोस्तों, ये रैम के टाइप्स होते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे कि रैम किसे कहते हैं, आपको मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, रैम कहाँ लगी होती है, ये सब प्रैक्टिकल में बताएंगे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ फुल फॉर्म से रिलेटेड, ये रैम के टाइप होते हैं, एस रैम, डी रैम, एस डी रैम। नेक्स्ट आते हैं रोम। तो ये तो आपने शायद सुना होगा रैम और रोम, उन्हीं के पार्ट्स बता रहा हूँ मैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ईपीरोम, ईपीरोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आते हैं ईपीरोम, ईपीरोम की देख लिए इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। समझ गए ना सर यहां तक? ठीक है, रैम के ये टाइप होते हैं, ये रोम के टाइप हो गए। कौन कौन से हो गए? रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एलसीडी, या आपने अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि मॉनिटर इज अ टू टाइप, मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सीआरटी, एक एलसीडी। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, मॉनिटर इज अ टू टाइप, तो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। सेकंड मैंने आपको बताया था एफपीडी, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो होता है उसके अंदर जो टू टाइप होते हैं एलसीडी और एलईडी, ठीक है, ये आपने देखी होंगी। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं एचडीडी, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है एफडी, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, अब आप अगर आपने इसका नाम तो सुना होगा हार्ड डिस्क का, ठीक है, आज मैंने इसकी पूरी फुल फॉर्म बता दी आपको, हार्ड डिस्क ड्राइव, एफडी, फ्लॉपी डिस्क। अब आपके माइंड में अगर ये चल रहा होगा कि सर ये फ्लॉपी डिस्क वगैरह क्या होता है, तो इसके बारे में भी एक चैप्टर है, एक दिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो शायद बनाऊंगा आपकी, कि मेमोरी, मेमोरी इज अ टू टाइप, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, उसमें हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इनको आप याद करते रहना। ठीक, आगे भी बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट में, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आगे मैं आपको इससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड और बहुत ज्यादा नॉलेज की बातें बता सकूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।